अब वो मतलब बेसिकली दे स्टार्टेड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एलियन लैंग्वेज की ये है वो है, और मुझे यार लगता था कि यार मैं कितना डम हूँ, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब अभी मुझे कंप्यूटर खोलना नहीं आता, राइट, मुझे फॉर्मेट कराने के लिए भी बगल वाले की हेल्प लेनी पड़ती थी। भाई मुझे तो ऐसा डर लगा कि मैं रोज सोचता था शाम को कि भाई सुबह नहीं हूँ। थोड़ा सा पर्सनल लॉसेस मेरे काफ़ी हो गए थे, मतलब पर्सनल लॉसेस एज इन नॉट फाइनेंशियल लॉसेस, पर्सनल लॉसेस एज इन मैंने मॉम डैड तो कॉलेज से पहले, फिर जब कॉलेज में ऑफर्स मिले तो दादी चले गए। इनफैक्ट वो मेरा ओनली इंटरव्यू था जिसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं करी। ऐसा नहीं था कि मैं सीएससी मेरा वो था कि ये मेरा पैशन है मुझे करना है, बस मेरे साथ ये था कि मैं घुस जाता था किसी भी चीज में कि अब मुझे घुसना है। प्लेसमेंट और इंटर्नशिप सीजन आने वाला है, सो इफ यू वांट टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम एंड यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सीजन, सो डू चेक आउट algoprep.in। यहाँ पे यू विल बी लर्निंग डीएसए प्लस ओएसडीबी में ऊप्स एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग टू लाइव प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1499, सो जाके चेकआउट कर सकते हो डिफरेंट प्लान। द अर्ली बर्ड ऑफर इज गोइंग टू एंड ऑन 14th ऑफ दिसंबर, ओनली 2 days आर लेफ्ट। वी हैव एक्सटेंडेड द ऑफर, कल खत्म हो गया था बट काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो वी हैव एक्सटेंडेड टू 14th ऑफ दिसंबर, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड या मेक अ वाइज चॉइस, लर्न डीएसए एंड क्रैक योर ड्रीम कंपनीज। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, मैं शांत चौहान, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे वी हैव टू अमेजिंग पीपल, एक बार इन दोनों का इंट्रोडक्शन लेते हैं फिर वी स्टार्ट द वीडियो। सो वी स्टार्ट विद भरत। हाय गाइस, आई एम भरत, आई एम वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, आई एम करंटली वर्किंग एज अ प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। Hi, I'm Megha. I'm working at MongoDB and I'm leading developer advocacy for the Asia Pacific region for MongoDB. Great. So, मैं एक बार दोनों का introduction दे देता हूँ। So, Bharat is currently working as a principal software engineer at Microsoft. इनको almost 10 साल का experience हो चुका है, right? And becoming a principal software engineer in 10 years is quite amazing. कितने young लग रहे हैं ये। तो principal software engineer in general, young generally नहीं दिखते हैं। So we have Megha, she's leading developer advocacy at MongoDB, APAC region mein, and she has worked at Microsoft and Apple and multiple other companies as well. So we are doing a podcast with them, kafi alag alag tarike ke opinions milenge because he's been with Microsoft from the start of his career. He has worked at Redmond also and came back to India. She has switched jobs in almost 2 years, right? So wo dono ke parallel perspective dekhte hain and yeah. जैसे आप पहले अपना एक्सपीरियंस बताओ कि लाइक हाउ यू जॉइन माइक्रोसॉफ्ट, कैसे वो चीज़ स्टार्ट हुई, कोडिंग कैसे स्टार्ट करी थी। तो मैं एक्चुअली और पीछे जाना चाहूँगा, मतलब कॉलेज में मैं के पहले 2010 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो उसके पहले मतलब मैंने आईआईटी का नाम ही नहीं सुना था। तो किसी तरीके से कॉलेज में घुस गए, किसी ने बोल दिया कि भाई ब्रांच कौन सी ले, पता ही नहीं ब्रांच किसी के बारे में सुना ही नहीं, तो किसी ने बोला कि भाई एक काम कर, सीएससी का बहुत स्कोप है, सीएससी ले लेते हैं। हमने सी एस सी ले ली, भी कंप्यूटर वगैरह कुछ था नहीं हमारे पास, पहली बार कंप्यूटर। अब सब लोग मेरे कॉलेज में लोग थे वो काफ़ी स्मार्ट टाइप के, पैसे वाले कंपेरेटिवली कह से, कि उन्होंने पहले सी एस सी वगैरह के बारे में सुन रखा था एटलीस्ट। अब वो मतलब बेसिकली दे स्टार्टेड टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एलियन लैंग्वेज की ये है वो है, और मुझे यार लगता था कि यार मैं कितना डम हूँ, मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब अभी मुझे कंप्यूटर खोलना नहीं आता, राइट, मुझे फॉर्मेट कराने के लिए भी बगल वाले की हेल्प लेनी पड़ती थी। तो मैं सोचू यार, फिर स्टार्टेड कॉलेज चालू हो गया, अब सी एस सी में पहला सी का कोर्स रहता है, प्रोग्रामिंग है ना, लोगों ने कर रखी थी कॉलेज में भी, इतना डिटेल में तो पढ़ाते नहीं है, दे एक्सपेक्ट यू कि तुम, अब हम इसके पहले कभी सेटअप में ऐसे थे नहीं, कोचिंग के समय में रहता था, सब कुछ बताया है ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो मैं डर गया, मतलब सी का जो मैंने कोर्स किया उसमें बहुत खतरनाक तरीके से डर गया, इस लेवल पर डर गया कि मैंने सोचा कि जैसे ही ये सेमेस्टर ख़त्म होगा ना, मैंने ब्रांच चेंज कर लेनी। अच्छा, ठीक है। तो मैं हुआ सी जी पी 8.9 आ गई, सी एस सी में थे तो ब्रांच चेंज करने का भी ऑप्शन था, क्योंकि सी एस सी में लोग आना चाहते हैं, सी एस सी से बाहर तो जाते। तो मैं एक रात को फॉर्म लेके आ गया कि यार अब ठीक है आज तो ब्रांच चेंज करनी, तो मैंने फॉर्म वॉर्म भर लिया, मैंने सुबह जाके भर के आऊँगा। तो मेरा एक और दोस्त था, मेरा रूममेट था, उसको भी कुछ नहीं आता था, मतलब हम दोनों एक टाइप के लोग थे, तो उसको ऐसा लगा कि यार अगर ये चला गया तो मैं भी फंस जाऊँगा। तो उसने मुझे बोला कि भाई अब करेंगे मरेंगे जो भी होगा, ब्रांच तो तू चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। और उसने मेरा फॉर्म लिटरली फॉर्म फाड़ दिया, ठीक है। और हमने प्लेज लिया कि यार भाई बस अपना गोल ये है कि यहाँ से इन्फोसिस में जॉब लेके जानी है, और क्योंकि नया कॉलेज था उस समय आईआईटी पटना, तो इतनी कंपनीज भी नहीं आती थी, माइक्रोसॉफ्ट आती थी, अमेजोन आती थी, गूगल वगैरह आते भी नहीं थे। तो हमने प्लेज बनाई कि यार हमको बस किसी तरीके से इन्फोसिस को लेना है, बाकी कुछ नहीं, और किसी तरीके से मर गिर करके पास करना है। तो मतलब लैब वगैरह हुई, उसको भी मुश्किल से पास किया, ऐसे करके ढाई साल निकल गए थे। सुना कि माइक्रोसॉफ्ट आ रही है इंटर्नशिप के लिए, तो राजीव आए हुए थे माइक्रोसॉफ्ट के जो डायरेक्टर, तो उन्होंने क्या किया, एक राउंड टेबल पे 15 लोगों को बैठा दिया। अब सब ने गीक्स फॉर गीक्स रट रखा था उस समय, तो भाई बोला कि दो क्वेश्चन उन्होंने बोर्ड पे लिख दिए, बोले ये है और
अब हम लोगों ने रट रखा था तो हमने आंसर बता दिया। हाँ। तो उन्होंने रैंडमली तो नहीं कहेंगे, ही माइट हैव सीन समथिंग, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो रैंडमली हो गया किसी। हाँ। तरीके तो 5 बच्चे लिए थे, तो अनाउंस करते हैं 1, 2, 3, 4, वो फोर्थ में मेरा दोस्त आ गया, ठीक है, मैं नहीं आया हूँ। और सुनने में उसके पहले आ रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट आएगी 4 बच्चे के लिए, हाँ। तो मेरा चेहरा सा उतर गया। फिर कहते हैं लास्ट हमें 4 लेने थे बट वी आर टेकिंग 5, तो पांचवा मैं किसी तरीके से, उन्होंने पांचवा नाम मेरा था, तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ पहला। इसके पहले तो मतलब आई वॉज लाइक कि ड्रीम ही नहीं है, मतलब किसी तरीके सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत है। पहुंच गए माइक्रोसॉफ्ट में। अब यहाँ पे तब एंड्रॉइड शुरू ही हुआ था, मतलब 2013 में माइक्रोसॉफ्ट के, उसके पहले विंडोज पे हुआ थे करती थी, तो काम स्टार्ट ही हो रहा था एंड्रॉइड के लिए। तो लोगों को पता नहीं था कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, लोगों को ही नहीं पता है, और मैं ऐसी टीम में पहुंच गया। और उसमें मेरा मेंटर जो था, ये आपका इंटर्नशिप का टाइम हाँ, था ना? इंटर्नशिप का टाइम है, वो चला गया किसी दिन छुट्टी वुट्टी पे, हाँ। तो भाई मुझे तो ऐसा डर लगा कि मैं रोज सोचता था शाम को कि भाई सुबह नहीं हो, अगर सुबह हो गई ना तो फिर से जाके वही वही करना है और वही देखना है जाके, हाँ। और अपन से नहीं होने वाला। हाँ। मैं केवल सेट फ्राइडे की ना रात को खुश होता था कि चलो अब 2 दिन नहीं देखना, ठीक है। तो ऐसे करके, और टीम का नाम था SSC ग्राफिक्स, तो ग्राफिक्स मतलब बेसिकली ओपन GL वगैरह, वो कोर्स भी मैंने बड़ी मुश्किल से पास किया था CCC लगा के, ठीक। तो मतलब ये समझ आ गया, एक तो गंदी टीम, नया काम, मेंटर है नहीं, और सबसे बेकार सब्जेक्ट जो मुझे खुद नहीं आता था कुछ भी, वो करके तो किसी तरीके से 2 महीने निकाल लिए किसी तरीके से हेल्प लेके। सबसे अच्छी बात ये लगता था मुझे कि मैं डरता नहीं था, मतलब डरता इन द सेंस कि मैं किसी के भी जाके आके बोल दूंगा कि सर संभाल लो आप, पूछने में है ना, मतलब बात करने में क्या करें, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही है। तो ऐसे करके माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लगी थी, PPO भी मिल गया इसी तरीके से, थोड़ा बहुत रट लिया था गीक्स वगीक से। तो ऐसे बेसिकली ये मेरा पहला स्टार्ट है, जहाँ पे जब मैं ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि यार अब सीखना है, अब किसी तरीके से आ चुके हैं, कुछ तो कर लिया है। तो ये एक स्टार्टिंग है मेरी। ग्रेट, मतलब काफी अमेजिंग जर्नी है, क्योंकि जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही था। 9th 10th तक मेरे को तो JEE का भी नहीं पता था ऑनेस्टली। एक बार क्या हुआ था, एक नारायणा और श्री चैतन्य वगैरह तो द्वारका में उनके सेंटर्स थे, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आए थे, और फिर वो यही फिगर लिख रहे थे, 2013-14 की बात है कि इसमें गूगल के ने 1 करोड़ का पैकेज निकाला है, ये किया है। एंड वहां पे मेरे को पता चला कि IIT कुछ होता है, JEE कुछ होता है कि एग्जाम देना। एंड मैं 9th या 10th में था उस टाइम पे, तो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट वेस्ट दिया, फिर स्कॉलरशिप टेस्ट निकला तो कोचिंग करनी स्टार्ट करी, फिर पता चला अच्छा और कॉलेजेस भी हैं, DTU जा सकते हैं, NSIT जा सकते हैं, IIT तो चलो कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, बहुत कॉम्पिटिशन है। एंड फिर कर करके मिल गया कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल गई। बट हाँ, नहीं पता होता, जनरली अवेयरनेस नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स को नहीं है। माई फादर वर्क्स लाइक गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उनको तो बिल्कुल ही कोई कहीं का आइडिया ही नहीं है कि क्या इंजीनियरिंग होती है, क्या प्राइवेट में होता है। देवर लाइक कि मैं सरकारी नौकरी पकड़ लो और लाइफ सही है। आपकी कैसे स्टार्ट हुई थी? ओके, तो मेरे घर में आइडिया था लोगों को, और मैंने 4th क्लास से ही ईमेल आईडी बनाई थी। तो मेरे डैड एक्चुअली इंजीनियर थे, और फिर वो उनका बिजनेस भी था, तो उस वजह से मुझे काफ़ी एक्सपोजर था। मुझे IIT के बारे में भी बहुत पहले से पता था, मुझे कंप्यूटर भी चलाना आता था, बट मैं IIT नहीं जा पाई। और मेरा एक्चुअली कुछ अच्छे कॉलेजेस में हो रहा था, बट उस टाइम पे आई हैड लॉस्ट माय पेरेंट्स। तो फिर उस समय जो मुझे घर के पास में जो था सूरजमल, मेरे जस्ट घर के निकलते ही था, तो मैंने फिर वो ले लिया काउंसलिंग में IP University की, इवन IGIT भी नहीं लिया, कि बस घर पे भी थोड़ा दादा दादी को देखना है। और हाँ। वो सारी मेरी स्टार्ट है। और फिर उसके बाद मेरा बचपन से, क्योंकि मेरे चाचा जी अब्रॉड में सेटल हैं, US में सेटल है, तो हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चे को ऑलराउंड डेवलपमेंट दो। ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये था कि डिबेट्स, कंपेयरिंग, तो वो वहाँ पे मुझे स्कूल से करते करते ही करना ही है। और फिर जब मैं कॉलेज में थी तो मैं क्लास रेप भी थी, और मेरी क्लास में सिर्फ 4 लड़कियाँ थी, बाकी सारी पता नहीं कैसे दूसरे सेक्शन में चली गई थी। मैं EC से हूँ, तो मैं क्लास रेप थी वहाँ पे। मैंने फिर ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स पे भी साथ साथ फोकस रखा है, कॉम स्किल्स पे फोकस रखा है। और फिर उसके बाद मुझे भी काइंड ऑफ पंजाबी हूँ तो गुस्सा, लेकिन मैंने उस पर काम किया। फिर साथ साथ कोडिंग पे भी काम किया, मैंने सर्टिफिकेशंस कर ली। तो मेरे पास फिर 5 ऑफर्स थे, 2 ऑन कैंपस, एक्चुअली 3 ऑन कैंपस, 2 ऑफ कैंपस। तो उसमें से सैमसंग से मैंने स्टार्ट किया। सैमसंग नोएडा या फिर बैंगलोर? सैमसंग बैंगलोर। ओके। तब मैं भी फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकली, पहले मैं हमेशा घर पे पैम्पर्ड किड। तो मैंने इंटर्न करी थी एक्चुअली SRIB में। ओके। हाँ, तो
वो क्या होता है, हमारे कॉलेज में आई थी एंड कॉलेज में मैंने दो तीन पहले कंपनीज के दिए थे, RCCM का दिया था, GS का दिया था, मैं लास्ट राउंड तक गया और एंड में वही पांच लोगों की लिस्ट आती थी, छठा मेरा मना कर देते थे। RCCM डायरेक्ट के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ने मेरे को अपना कार्ड दे दिया कि बाद में कभी आना हो तो आ जाना, अभी हमें तीन ही ले जाने, चौथे दिन तो नहीं ले जा सकते। बट फिर सैमसंग में कुछ कुछ करके हो गया, बट सैमसंग का थोड़ा कल्चर अलग है थोड़ा, वहाँ पे कोरियन कल्चर है तो थोड़ा सा उनको हार्ड वर्किंग चाहिए, और जैसे शाम को आप जाने लग रहे हो 6 बजे तो आपको मेल जाएंगे तो यू हैव टू केटर टू दैट एज वेल, तो वो कल्चर वहाँ पे सेट है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कोविड का टाइम था तो हमारा तो PPO कुछ भी नहीं हुआ था, हमें तो बस बोल देता कि तुम्हें ऑफर नहीं मिलेगा, तुम अपना ऑन कैंपस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरा तो कोविड के टाइम पे हुआ था तो डिफरेंट ही था बिल्कुल, सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सैमसंग में वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, सैमसंग में वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स हैं सैमसंग में, दे यूज्ड टू से कि सैमसंग में कुछ काम नहीं रहता, वो नॉइड है। हाँ, काम नहीं रहता, बैंगलोर में भी कम ही रहता है, बग फिक्सिंग अनाउंसमेंट्स, मतलब जो हमारी थी, मैं DPG में थी और इवन बाकी का भी स्लो ही चलता है, बट देन यू हैव टू बी देयर, मतलब थोड़ा ऑफिस में रहना पड़ता है, ऑफिस में रहना जरूरी है बिकॉज यू कांट वर्क रिमोटली। दूसरा ये कि वहाँ पे फिर कोरिया आप जाओगे तो वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ अवेकनिंग और लर्निंग होती है बिकॉज उनका कल्चर हमारे कल्चर से बहुत डिफरेंट, ऑल द एशियन कंट्री। तो वहाँ मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि भाई रोड्स पे लोग रूल भी फॉलो करते हैं, 21 ईयर्स की एज में पता चला लोग नॉनवेज खा सकते हैं ट्यूसडे को, फिर मुझे पता चला कि नो रिलीजन नाम की भी कोई चीज़ होती है। 21 ईयर्स में मुझे समझ में आ रही, ओ 95% लोगों कंट्री में कोई रिलीजन ही नहीं है, तो मतलब कैसा देश है ये, मैं हमारे देश में इतना क्यों है। तो मतलब और फिर रात को 2 बजे आप रोड पे वॉक भी कर सकते हो, मतलब आप रोड पे वॉक करो। मेरा फ्रेंड था एक बिहार से तो वो काफ़ी बार जा चुका था, तो उसने मुझे बोला तू रात को अकेले भी आ सकती, तेरे को मेरी वेट करने की या मेरे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रात को 2 बजे एक दिन ट्रस्ट करके गई, फिर एक बंदा स्मोक कर रहा है, वो उसने ऐसे नीचे झुका लिया और बल्कि सिगरेट भी हाइड करी। तो कल्चर ही उनका ऐसा है कि फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना है। मैंने कहा काश हमारी कंट्री में भी ऐसा होता, बट हाँ उससे ये एक्सपोजर वगैरह मिला। फिर सैमसंग के बाद मैंने एक छोटा सा बैटिकल लिया था 5-6 महीने का हेल्थ के लिए, मैंने क्योंकि थोड़ा सा पर्सनल लॉसेस मेरे काफ़ी हो गए थे, मतलब पर्सनल लॉसेस एज इन नॉट फाइनेंशियल लॉसेस, पर्सनल लॉसेस एज इन मैंने मॉम डैड तो कॉलेज से पहले, फिर जब कॉलेज में ऑफर्स मिले तो दादी चले गए, तो दादाजी फिर मेरे US मूव हो गए थे और मैं अकेले ही थी, तो मेरे को काफ़ी मैं बीमार हो गई, मेरे को थोड़ा बैकएक हो गया। फिर मैंने अपना इलाज विलाज जो भी हेल्थ का करा, फोकस करा 5-6 months और फिर मैंने वापस से रिस्टार्ट करा करियर। तो वहाँ पे जो मेरे साथ सैमसंग में ज्वाइन करे थे IITians, NITians और मेरे कॉलेज से सिर्फ 5-6 बच्चे थे, तो वहाँ से फिर मेरा एक ये हुआ कि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा। फिर मैं सिम्फनी टेलिका चली गई, फिर वहाँ पे मेरे को अभी वो सिम्फनी टेलिका हरमन और हरमन इन सैमसंग, तो सिम्फनी टेलिका में मैंने मेंटेनेंस वगैरह वाला रोल ले लिया, तो उसमें तो काम होता नहीं था। फिर देन आई स्टार्टेड गीक्स फॉर गीक्स, भाई मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो मेरा तो यही टाइम है, मैं तो वापस मैं तो इनकी जैसी बन जाऊंगी। फिर मैंने वो काम तो मैं जल्दी से कर लेती थी, फिर मैंने सीखा, फिर मैंने पढ़ाई करा, फिर मैंने मैं कर रही थी प्रिपेयर अमेजोन के लिए, लेकिन फिर मैं मेक माई ट्रिप चली गई, मेरा हुआ नहीं, अमेजोन बाहर हो गई, फिर मेक माई ट्रिप करा। फिर तब से मैं एक्चुअली DS से मैं कॉलेज से नहीं कर रही थी, मैंने बाद में करा, मुझे वहाँ पे अवेयरनेस आई। और वो कैसे आई, जब मैं वो 5-6 months का गैप लिया था ना, और मेरे जो बाकी फ्रेंड्स भी बने थे IIT NIT के, तो उन्होंने बताना शुरू किया था। फिर जो 5-6 months का गैप लिया था उसमें जब मैंने इंटरव्यू देने शुरू करे, तब ओ ये भी पूछते हैं, फिर मुझे पता चला मुझे पढ़ना है और मुझे यहाँ यहाँ से पढ़ना है। और अभी तो बहुत हेल्प हो गई है इसके चैनल से, और सबको पता चल गया क्या पढ़ना है, हमें इंटरव्यू में जाके फेलियर्स ले लेके पता चला। हाँ, मतलब 2018-2019 तक भी ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं, भी पता नहीं था क्या पढ़ना है, मैं तो भैया ने बोला कि बेटा ये गीक्स फॉर गीक्स है, यही तेरा बेड़ा पार कर दिया। कॉलेज में जब मतलब मेरे टाइम पे भी यूट्यूब और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो थे ही नहीं ना, तो जो सीनियर्स होते थे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में या फिर कोई अगर भैया टाइप्स बन गए, उनकी इंटर्नशिप आई, उन्होंने पढ़ लिया तो उन्होंने बता दिया कि यार GFG से पढ़ लो, इंटरव्यू पे कर लो। लीड कोड तो बहुत रिसेंटली आया था 2020-2021, उससे पहले तो यही से प्रैक्टिस करते थे, एक सौ एक सी होती थी, मैंने तो पूरी डाउनलोड भी करके, मैं तो पूरी डाउनलोड कर ली थी, एक सौ एक आज भी पड़ा हुआ है मेरे पास, पहला वर्जन जो 2014 में तभी स्टार्ट किया था, सब मैंने कहा जब तक पहले मेरे से हो नहीं पाए सारे रट डालूंगा, तो मेरा तो यही था, मैंने सारे क्वेश्चन 10-10, 15-15 कर लिए थे, अब पूछ ले। मतलब मेरे जब मैं यहाँ पे PPO का एंट्री हुआ तो उसने क्वेश्चन पूछा, मयंक करके थे बहुत, उनका काफी नाम होता था यहाँ पे, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने कर दिया, मुझे कहते मुझे 2-3 बार पूछा, सच बताओ तुमने कर रखा है? नहीं सर, अभी आपने बोला, अभी बता रहा हूँ, अभी मैं वो क्वेश्चन 10 बार कर चुका।
तो ये करना होता है इंटरव्यू में नहीं क्या वो हम कर लेते हैं बहुत अच्छे से सही है सो दोनों की जर्नी काफी डिफरेंट रही है फिर मेक माय ट्रिप के बाद आपने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया था नहीं मेक माय ट्रिप के बाद फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे एमबीए करना है मुझे ना हमेशा से ये शौक मुझे लगता है कि मुझ में थोड़ी कन्विंसिंग स्किल्स हैं या मुझ में थोड़े डिफरेंट स्किल्स भी हैं फ्रॉम जस्ट द टेक टेक में कर लेती हूँ आई लाइक इट बट आई माइट लव समथिंग एल्स मुझे ये समझ में आया फिर मैंने सोचा एमबीए करते हैं इन कंसल्टिंग क्या कौन सी कंसल्टिंग स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग तब एकदम नया नया मुझे पता समझ में आना शुरू हुआ था 2013-14 की बात बता फिर मैंने थोड़ा पढ़ा वड़ा तो मुझे लगा कि कॉलेजेस में मेरा तब मैंने कुछ कॉलेजेस में हुआ भी था ऑक्सफोर्ड एंड सीयूएच के तो वहाँ पे मुझे ये समझ में आया कि वी हैव टू वर्क इन अ कंसल्टिंग फर्म जिसमें आपको ये एक्सपोजर दिखाना है कि वहाँ से क्योंकि आपका पीपीओ और वो सब नहीं होता है बाहर के कॉलेजेस में तो आपको वो दिखाना तो फिर मुझे लगा अब मैं क्या करूँ तो फिर मैं सेपेंट गई मुझे लगा कि वहाँ पे शायद नहीं एमबीए नहीं करी मैंने एमबीए अप्लाई करने के लिए ही मैंने स्विच के लिए देखा और दूसरे भी रीजंस थे मैंने इनफैक्ट वो मेरा ओनली इंटरव्यू था जिसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं करी एसएपी के लिए बना सकती थी मुझे पहले नहीं आता था तो मैंने काफी सीखा और मैं थैंकफुल हूँ मुझे सीखने को मिला चीजें मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मुझे गूगल दे दो मैं सीख के सर्च इंजन दे दो बेसिकली मैं बना दूंगी सब कुछ और फिर उसके बाद सेपेंट में जाने के बाद 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम करा और 2.5 साल में मैंने सीखा कि कैसे हमें अपना प्रोडक्ट बनाना भी है और फिर उनको कन्विंस भी करना है कि आप यूज़ करो बिकॉज आई वॉज वर्किंग विद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कस्टमर तो वो लोग क्या करते हैं वो लोग मूव नहीं करना चाहते बहुत स्लो एक प्रोडक्ट से वो कहते हैं कि नहीं हम मैनुअली कर लेंगे काम लेकिन हम सीखेंगे नहीं तो फिर उनको कन्विंस करना तो वहाँ पे वो कन्विंस करने करते मुझे समझ में आया कि मेरी टीम नहीं कर पाती थी कई बार मुझसे सीनियर लोग मैं कर देती थी तो फिर मुझे अच्छा लगने लग गया था बट देन समहाउ माइक्रोसॉफ्ट हैपेंड मेरे को एक दिन कॉल आया और फिर मेरे को लगा कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ और मैं थोड़ा बहुत क्रैकिंग दी कोडिंग इंटरव्यू पढ़ती थी मैं उतनी हार्ड वर्किंग उतने क्वेश्चंस नहीं करती कंसेप्ट्स थोड़े समझती थी तो फिर मैं गई माइक्रोसॉफ्ट एंड यू वोंट बिलीव एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बहुत सारे लोगों के नाम थे उस लिस्ट में लेकिन आधे बच्चे आए नहीं थे बिकॉज वो गार्ड ना नेम पे टिक कर रहे थे तो आधे लोग तो आधी बैटल वहीं जीतती थी कि आप बस वहाँ चले तो जाओ पहुँच तो जाओ तो वो फिर होने के बाद एंड आई एक्चुअली क्रैक दैट इंटरव्यू आई थिंक 5 राउंड हुए थे और DSA एंड डिजाइन की और प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड ऑफ सिचुएशनल भी कौन सा ईयर था आई थिंक 2004 आई थिंक आई ज्वाइंड इन 2017 हाँ तो 2017 की बात बता रही हूँ फिर उसके बाद 2017 में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया आते ही एकदम कल्चर शिफ्ट ये क्या है यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है कोई भी पार्टिसिपेट आपको कोई बताएगा नहीं यू हैव टू ओन योर जर्नी फिर मैंने सीखा फिर डिफरेंट टेक स्टैक भी था जावा से सीखा फिर सीखा 2-3 साल मेरी थोड़ी स्लगिश सी चली जर्नी फिर लास्ट 2 ईयर्स बहुत अच्छे गए मैं 4 ईयर्स थी ऑलमोस्ट फिर उसके बाद मेरा प्रमोशन भी हुआ फिर मेरे को समझ आ गया कि आई हैव टू ओन माई जर्नी आई हैव टू टेक मोर ओनरशिप अगर मुझे लीडिंग रोल में जाना है तो फिर उसके बाद मैंने वो करते करते डिज़ाइन डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना पूरे ऑर्ग के भी होना और हमारी ऑर्ग भी टचवुड अच्छी थी जो पूरा हमें इन्वॉल्व करते थे वो दूसरों के भी डिज़ाइन डिस्कशन वहाँ से सीखते सीखते देन आई स्टार्टेड टीचिंग मेंटरशिप एक अकेडमी में नाम नहीं लूँगी मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो गई और उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला और फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस और गेन हुआ उससे फिर उस वहाँ से फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ना SD4 ही बनना है तो फिर मैं वहाँ से एप्पल गई और उससे पहले भी मेरे काफ़ी फेलियर्स थे बट उसके बाद मुझे हर फेलियर के बाद ये समझ आता था कि वहाँ पे मैं क्लियर कर लेती थी और मुझे बोलते थे यू कैन ज्वाइन एज अ SD2 बट SD4 नहीं बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू टेल देम माई इम्पैक्ट एंड फेलियर्स इन नंबर्स प्रॉपरली तो वो मैंने फिर ओनरशिप ली और ज़्यादा काम किया साइड प्रोजेक्ट्स पकड़े तब जाके हुआ एंड फिर एप्पल हुआ एप्पल में मैंने 1.5 साल काम किया उसके बाद MongoDB में हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत डिफरेंट थी कॉल आया मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रहे हैं डेवलपर एडवोकेसी होता क्या तो उन्होंने मुझे समझाया ट्रैवल करना है टीचिंग करनी है और थोड़ा सा टेक भी करना है कर लोगे और बाकी सारे डिफरेंट कंट्रीज में रहेंगे आपकी टीम मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी सी बात लग रही है हाँ मुझे तो ट्रैवल का बहुत शौक है मैं सोलो ट्रैवल ऐसे 10-11 कंट्रीज तो घूमी हूँ खुद से और एक दो वर्क से तो
मैंने कहा ये तो पक्का मैं देख के देख लेती हूँ, उसके लिए भी मैंने प्रिपेयर नहीं किया। आप स्मार्ट टर्म समझ गए। नहीं, उसके लिए मैंने एक राउंड के लिए प्रिपेयर किया था, प्रेजेंटेशन चैलेंज, जिसमें हमें एक ऐप बना के और उसको प्रेजेंट करना था, उसके लिए थोड़ा सा करा था, बट अदरवाइज मैंने कोई ऐसी प्रिपरेशन नहीं करी थी। डीएसए सिंपलर था क्योंकि वो एडवोकेसी के लिए, और ऑब्वियसली आप जैसे बता रहे थे, हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, बाहर के लोग थोड़ा आपके वर्क पे जाते हैं और आपके एक्सपीरियंस पे और आपके बात करने पे, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली नहीं जाते इंटरव्यूज में, तो वो सारी चीज़ें। हाँ, वहाँ पे मेरे 7 राउंड हुए थे, काफ़ी लॉन्ग जर्नी बट ग्रेट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था दोनों का। सो लाइक अभी आप दोनों अलग अलग रोल्स में हो, बट यू हैव बीन मेंटरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? आप कंपनी के अंदर मेंटर कर रहे हो, आप आउटसाइड कंपनी भी मेंटर कर रहे हो, सो व्हाट इज द वन थिंग दैट यू सी कि यार ये लोग ना वहाँ पे अटक जाते हैं, लाइक ये कॉमन प्रॉब्लम जो आपने फिगर आउट करी हो, एंड आई थिंक जो भी देख रहा हो उसको भी वही सेम चीज़ हिट भी करती होगी, व्हाट इज दैट? तो मैं बताता हूँ, जैसे अभी तो मुझे 9-10 साल हो गए, तो मैं काफ़ी लोग मेरे साथ काम किए, राइट? एक तो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के दिन जो न्यू कमर्स के लिए आती है, वो थोड़ा सा अपना फोकस शिफ्ट नहीं, मतलब दे जस्ट वॉन्ट टू डू सम वे, मतलब आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब किसी भी कोई भी नया आता है उसको कुछ काम मिलता है तो उसका काम वो समझना नहीं चाहता है कि सीखना नहीं चाहता है, क्यों करना है, क्या करना, क्यों करना है या क्या करना है उसका रहता है, बस किसी तरीके से मुझे ये बता दो तो मेरा काम हो जाए। अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या होती है, अभी तो वो कर मतलब तुम्हारा मेंटर होगा वो तुम्हें बता देगा तुम कर लोगे, ऐसे डेवलपर जाके 61 लेवल हायर लेवल पे फंस जाते हैं, तभी तुम सुनते हो यू सी लॉट ऑफ डेवलपर कि भाई मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं 3 साल से इसी पे। उसका कारण ये कि जब वो नए थे तो उनको बेसिकली एक आपका जो स्पून फीड हो गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 59 या स्टार्टिंग से 2-3 साल आपको ऐसा होना चाहिए जिसपे आप लग के कोडिंग करो, लग के कोडिंग करो, क्योंकि कोडिंग आपके साथ हमेशा रहने वाली है, लीडरशिप आप करोगे डेफिनेटली चीजें करोगे, बट आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इस जॉब में। तो वो लोग वहां वो अपॉर्चुनिटी बहुत मिस कर देते हैं, मतलब आई सी कि जहां पे हो सकता है, सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं C++ में बहुत ज्यादा काम करता हूँ, C++ एक काफी लैंग्वेज है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स यू कैन से बट बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, परफॉर्मेंस वगैरह यू सी सब लोग जितने भी परफॉर्मेंस इंटेंसिव काम होते हैं वो सब C++ में होते हैं। अभी नए बच्चे आगे क्या करते हैं, वो उस पर फोकस नहीं करेंगे, आज भी इतने कम लोग हैं जिनको सच में C++ आती है, सी दे आर वर्किंग फॉर 4-5 ईयर्स, तो उन्होंने वो जो स्टार्टिंग का टाइम था ना जब वो स्किल को कर सकते थे वो छोड़ दिया, मतलब वो फाइट नहीं करते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में 1-2 साल तो आपको फाइट मारनी चाहिए, अगर आप उसमें नहीं, अगर और फाइट का मतलब ये नहीं कि आप 10 स्टैक सीख लो, देखो बोलते हैं कि ये मन स्टैक, ये स्टैक, वो स्टैक, बट वो आप कभी भी सीख सकते हो, मतलब इट्स नॉट रियल मेजर स्किल इज क्या आप ऐसे सिस्टम्स लिख पा रहे हो, इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हो, कोड कर पा रहे हो, राइट? एक अच्छी, क्योंकि जब कॉलेज में हम कोड करते थे तब रहता था कि भाई किसी तरीके से आउटपुट चले, अभी आपका कोड बेसिकली मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं, राइट? तो 2-5 मिनट में पता चल जाता है कि यार 1,00,000 क्रैश आ गया, 1.5 लाख क्रैश आ गया, राइट? तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी हो जाती है जो लोग, अब मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो ट्राई करते हैं। और यही एक पता नहीं बोल, जैसे तुम बोल रहे थे कि 9 साल में मैं बन गया, एक्चुअली 8.5 साल में बना। तो सबसे मेन चीज जो मेरे साथ थी, मैं कभी भी टेक्निकली अच्छा नहीं था, हाँ। कभी भी नहीं था अच्छा, और ऐसा नहीं था कि मैं CSE मेरा वो था कि ये मेरा पैशन है मुझे करना है, बस मेरे साथ ये था कि मैं घुस जाता था किसी भी चीज में कि अब मुझे घुसना है। टेस्टिंग रहती थी, ऑटोमेशन भी बहुत कम लिखना होता था, मैनुअल टेस्टिंग होती थी, तो मैं क्या करता था, मैं डेवलपर्स को बात करते हुए देखता था, मुझे कभी कभी लगता था कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। ओके, तो आई वॉज लाइक नहीं यार मुझे एस्टेट में नहीं रहना है, मुझे करना है। तो ऐसा हुआ कि 1-2 बार हमारी स्क्रम मीटिंग चल रही थी, तो टेस्ट और डेव की साथ में स्क्रम होती थी, कुछ डेव कुछ कुछ काम कर रहा था, तो एक कुछ क्रिटिकल सेक्शन की बग थी जो हम अपना OS के कोर्स में करते हैं, लॉकिंग वगैरह की, तो ही वाज लाइक डूइंग इट फॉर 1-2 वीक्स, वो हो नहीं रही थी, टफ बग थी, किसी को ही नहीं पता था क्या आईडिया है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप तो ट्राई कर ही लिए, तो लाइक और भी काम भी करने थे, तो ही सेड आई एम गोना पार्क इट, सो मैंने कहा यू गोना पार्क इट, कैन आई टेक इट, ही सेड यू कैन टेक इट। अब मैं लगा रहता था, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना, मैं लगा रहा 1 हफ्ते में, पता नहीं कुछ मैंने ट्राई किया और फिक्स हो गई, ठीक है। तो एक ये जो चीज है, मतलब मुझे तब एक चीज समझ में आ गई यार, अगर करते रहेंगे ना तो हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मैंने धीरे धीरे चैलेंजेस लेना चालू कर दिया, मतलब कोई बोलता नहीं था मुझे, मैं खुद ही ले लेता था किसी को बोल दूंगा सर मैं ये देख लूँ क्या, सर मैं ये कर लूँ क्या, तो नो बडी वुड से नो, आई मीन
आई वुडंट वांट टू डू कि भाई उसको बिना बताया कर दिया, बिकॉज अदरवाइज लोग गलत ले लेंगे. बट आई ऑल्सो, सर आपके पास तो इतना सारा काम है, इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, आपके पास कहाँ ये छोटे से काम का, ये मुझे दे दो. हाँ मतलब मैं कर देता हूँ मक्खन लगा के थोड़ा सा स्वीट तरीके से, तो मिल जाता था मुझे. तो ऐसे हुआ कि 10 10 मिल गए, 10 में से 4 इश्यूज भी फिक्स हो गए, तो हो गया. तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये डेव वाला काम भी कर लेता, तो इस तरीके से मुझे डेव के लिए स्टार्टिंग okay. मतलब मुझे वो लगी ठीक है अब तुम डेव बन जाओ. तो वही चीज़ है, मतलब अब मैं वो लोगों में कम देखता हूँ कि लोग, मतलब जैसे मेरे अंडर ही लोग काम करते हैं तो मुझे उन्हें बोलना पड़ता है अब तू जाके ये कर, अच्छा वो कर लिया क्या तूने, अब ये देख लिया क्या तूने. ये होना चाहिए कि समवन शुड कम टू मी एंड टेल मी कि आई एम गेटिंग स्टक एट दिस, आप हेल्प कर दोगे या मुझे और काम दे दो, मेरे पास टाइम है. तो अब वो थोड़ा सा एटीट्यूड, अब कुछ भी बोल सकते हो, डिस्ट्रैक्शन बोल दो या लोगों का वैसा है कि दे डोंट वांट टू डू इट, तो एक वो जेन जी बोल दो. हाँ आप मेरा पर्सपेक्टिव यही है, मींस टू एन एंड नहीं बनाना. और अगर आप हो इसमें तो डीप डाइव करना है. मतलब मींस टू एन एंड नहीं बनाना, मतलब कि बस हमें ना पैसे कमाने हैं, हमें कुछ जॉब करनी है तो कोई भी जॉब में घुसिए. वाई होना बहुत क्लियर है कि क्या मुझे सच में ये पसंद है, और अगर पसंद है तो किस डिग्री तक पसंद है, मैं कितने साल इसमें रहूँगा, या फिर मैं इसका कुछ कॉम्बिनेशन. जैसे मेरे दिमाग में हमेशा ये था, इनफैक्ट मेरे को तो लोग पागल बोलते थे, मैं जब बोलती थी ना कि ऐसा कुछ करूँगी मैं जिसमें मैं टेक भी करूँगी, ट्रैवल भी करूँगी, और ऐसा कुछ होगा, मतलब बाद में मैं सोचती थी ट्रेनर बन जाऊंगी, ऐसा कुछ सोचती थी. तो वो मेरे को लोग, कई लोग सपोर्ट भी करते थे, बट कई लोग बोलते ऐसी जॉब नहीं, बट एक्चुअली बना वो रोल. तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप अपना वाई ढूंढो कि आपको क्या करना है, आपको किस में मजा आती है. और इतना मजा आती है कि मजा आता है कि आपको हार्ड वर्क नहीं फील होता वो, चाहे आप कितने भी घंटे डालो. तो अगर आपका वाई क्लियर है और आप वहीं बैठे हो तो आप अच्छा ही करोगे. आपको किसी से कोई भी कैरेट स्टिक अप्रोच नहीं चाहिए, आप अपने आप ही डीप डाइव करोगे कि आपको कैसे सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए. और फिर जैसे अगर वो आपके जो रिपोर्ट्स आए हैं जब आप हायरिंग भी कर रहे हो, वो अगर वो भी ऐसे आए हैं तो वो भी अपने आप ही आएंगे. जैसे मेरे टचवुड दोनों ही मेरे को आके पूछते हैं कि हम और क्या करें या हम और कैसे सीखें और कौन से टॉपिक्स लर्न कर लें, तो टचवुड आगे भी ऐसे ही आए. बट वो वाई क्लियर है उनका, आई थिंक वो वाई है. और माइंडसेट, जैसे कि अगर स्टक हो गए, जैसे इन्होंने कभी नहीं हार मानी, मैंने अपनी लाइफ में इतना खोया, मैंने नहीं हार मानी, इन्होंने कभी नहीं हार मानी, इनके भी काफ़ी चैलेंजेस आई एम श्योर कि इन्होंने इतना वीडियोज इतना बनाया तब तक. आई थिंक ही इज अ ट्रेंड सेटर. तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैं माइक्रोसॉफ्ट में 4 साल वीडियोज नहीं शूट करे, कुछ नहीं करा, किसी को दिखाने का सोचा ही नहीं, थॉट ही नहीं आया. तो दैट इज वेयर आपने कभी स्टक नहीं होना है, आपने सोचना है कि जब सब कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड मैं और ये भी बता दूँ, वी आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रेसेस, फैक्चुअली प्रूवन. तो हम जो होते हैं सबसे ज़्यादा हार्डवर्किंग लोगों में से आते हैं, एशियंस खासकर. तो हमें तो और अच्छा उसको यूज करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए. और जब गूगल है आपके पास तो आपको किस बात का डर है? मेन मेरे को लगता है ना, लोगों को सर्च करना नहीं आता. सबसे हाँ. बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को गूगल यूज करना नहीं आता इन जनरल. हाँ. कि उनको, उनके पास सर्च इंजन है तो ChatGPT भी है, उनको प्रॉम्प्ट हाँ. लिखना नहीं आता. अगर ये दो चीजें, ये स्किल पे ज्यादा काम करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 50-60% तो यही है कि तुम सर्च क्या कर रहे हो, तुम्हें आंसर क्या मिल रहा है. स्टैक ओवरफ्लो, ChatGPT, कुछ तुम्हें एक हिंट मिल जाएगा. किसी ने कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करी होगी फेस, तुम्हें थोड़ा सा हिंट मिल गया तो तुम कर सकते हो. तो वो नहीं सीखते, नहीं करते, करते नहीं, भी नहीं, नहीं, नहीं सीखते भी नहीं, करते भी नहीं. हाँ. मतलब एक गूगल सर्च अवे, वो फिर पूछने चले जाते हैं सीधा. मैंने भी देखा है. और फिर पूरा ऐसे चाहिए कि कॉपी पेस्ट. इवन मेरे साथ भी जब मैं कोडर, तो मैंने ये देखा कि लोगों को चाहिए कि एकदम, अगर मैंने उनको अपना कोड स्निपेट भेजा, दे डोंट इवन वांट टू होल्ड इट टू देयर कोड. वो चाहते हैं एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट हो जाए, चल जाए. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. मैंने फाइल रीडिंग का कोड तो अपनी उसमें देख ले कर लिया भाई. मेरा कहने का मतलब कि जाके देख तो कर क्या रहा है, मतलब राइट. अदरवाइज अगर वो सीधा सीधा चल भी जाएगा तो क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या सीखा. तो वो मेरे को जो प्रॉब्लम लगते हुए लगते हैं, लोगों को सर्च करना नहीं आता, और लोगों को सर्च करने के बाद जो मिल जाता है उसको मॉडिफाई करना नहीं आता, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है. अगर डीप डाउन अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है किसी कॉन्सेप्ट की, तो तुम चेंज ही नहीं कर सकते. मे बी क्यूरियोसिटी नहीं है कि आपको कोड मिल भी गया तो नाउ लाइक फॉरगेट अबाउट कि चलता है नहीं चलता. यू मस्ट बी क्यूरियस की राइट, कि यार ये क्यों ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं है ना तो कुछ नहीं कर सकते, फिर आप वो ऐसा हो जाता है. राइट. अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, हमने काफ़ी डिस्कशन करा है कि स्टेइंग इन अ सेम कंपनी फॉर 10 ईयर्स वर्सेज लाइक स्विचिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, विच वन इज मोर बेनिफिशियल. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सब पैसे के लिए काम करते हैं, एंड इफ यू वॉन्ट टू जनरेट वेल्थ और इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी, विच पाथ इज अ बेटर पाथ. सो अपने अपने ओपिनियंस आप बता सकते हैं.
मेरा ओपिनियन ये है कि एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट जर्नी, तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें काम करेंगी. अब किसी के लिए ये काम कर सके, किसी के लिए, और मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे एक फिगर के बाद ना आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप रिस्पेक्ट के लिए, आप सेटिस्फैक्शन के लिए, आप फुलफिलमेंट के लिए काम करना शुरू कर देते. आपका क्या कहना है इस पर? तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली पैसा बहुत मैटर करता है, मतलब लाइक बिगिनर्स के लिए स्पेशली. जैसे मैं रेडमंड गया तो एक रीज़न ये भी था कि यार डॉलर्स में मिल रहे हैं, ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा कमाएंगे, ज़्यादा सेव करेंगे. अभी मतलब तो एक चूज आपके पास पात रहता है कि आप, मैं हो सकता था किसी और कंपनी में भी ट्राई करता. मैंने टावर में ट्राई भी किया था, मुझे मिल भी रहे थे अच्छे खासे पैसे. दूसरा मेरे पास रेडमंड जाने का भी था. तो स्टार्टिंग में तो मैं बोलूँगा कि जो भी आपको कम, मैं बेसिकली इसीलिए नहीं गया कि मुझे लगा कि यार यहाँ पे भी मैं अच्छा काम तो मुझे मिल रहा है और मैं रेडमंड भी जा रहा हूँ, अच्छे लोगों के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो अभी मुझे नीड नहीं है. मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार या तो मेरा प्रोमो नहीं हो रहा है या मुझे पैसे कम मिल रहे हैं, हाँ. तो मैं भी चूज करता जाना, क्योंकि सबको स्टार्टिंग में आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि यार यहाँ पे अगर सपोज माइक्रोसॉफ्ट इज गिविंग 20 लाख एंड समवन इज गिविंग 60 लाख, व्हाई वुडंट समवन गो, राइट? राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस है. अभी इनफैक्ट मेरे साथ एक बंदा काम करता था, मेरे अभिषेक करके नाम था. okay. बहुत बहुत ब्रिलियंट बंदा, इतना अच्छा बंदा नहीं देखा. इधर लोग होते हैं टेक्निकली करेक्ट होते हैं या फिर वो मैनेजमेंट स्किल्स में अच्छे होते हैं, दोनों साथ में नहीं. ये बंदा इतना इतना अच्छा टेक्निकली करेक्ट, उसके बाद उससे कुछ पूछना नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, उसने क्या एनालिसिस की है, क्या रिसर्च की है, प्रॉपर राइटअप के साथ, की मतलब कहीं पॉइंट मिस ही नहीं हो सकता. तो 1.5 साल मेरे साथ काम किया, बहुत अच्छा था. अब उसको अमेजोन का ऑफर आया, अब अमेजोन उसको 3 टाइम्स दे रही है, तो मैं उसको क्यों बोलूंगा यार कि भाई तू रुक जा, डेफिनेटली क्यों बोलूंगा उसको, मतलब कितना माइक्रोसॉफ्ट कर देगी. तो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो फिर तो आई मीन स्टार्टिंग में तो तुम कर सकते हो. जब आप एक अच्छे लेवल पे आ जाते हो, जैसे सपोज करो सीनियर हो, तो फिर आप रिस्पेक्ट भी देखने लगते हो कि क्या मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, क्या लोग मेरे ओपिनियन को, क्योंकि इंसान की भी आदत है, यू वांट टू बी एट योर कंफर्ट जोन. तो अभी जैसे मैं अभी ऊबर का भी मैंने दिया था, तो उसमें मेरे 2 राउंड हो गए थे क्लियर. तो उसमें मेरा ये था कि क्या मैं जाऊँ, तो फिर मुझे लगा यार मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा. अभी माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे डिजाइन रिव्यूज होते हैं, चीजें होती, तो मेरे ओपिनियन के बिना नहीं जाते. अगर C++ में कुछ भी आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन इसकी भरत को दे दो, भरत देखेगा, या फिर कुछ भी हो, कुछ छोटा भी चेंज होता है तो पीपल सॉर्ट ऑफ कंसीडर माई ओपिनियन. तो आप फिर वो चीज भी मैटर होने लगती है कि यार ठीक है, पैसे तो हो गए एक सर्टेन लेवल पे, सर्टेन मिल ही जाते हैं. और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आपको ऐसे स्पेशल स्टॉक्स भी दे देती हैं बाद में आपको रिटेन करने के लिए. तो जितनी आपकी इज्जत ज़्यादा बढ़ेगी उतनी कंपनी आपको कोशिश करेगी रिटेन करने की, राइट? तो फिर वो आपको जाने नहीं देते. तो ऐसा है, मतलब स्टार्टिंग में तो आई विल डेफिनेटली से अगर आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो जाओ. बट ये जो आप बात कर रहे हो एक लेवल तक, बट व्हाट इज दैट लेवल? दैट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? फिगर नहीं, एक फिगर भी है फैक्चुअली प्रूवन फिगर. कुछ तो ऐसा फिगर है 50 to 60 lakhs के बीच का फिगर है, उसके बाद पर ईयर होगा ना. हाँ, पर ईयर. हाँ, उसके बाद जब आप कमा लेते हो तो आप फिर दूसरी चीजों पर देखते हो. Okay. For me, I think senior, software engineer तक you can sort of switch, and after that, if you sort of, अच्छा एक चीज का कारण ये भी कि जो Redmond में मैंने लोग देखे जो 20-20 साल से एक ही डोमेन में काम कर रहे हैं, वो लगते हैं मतलब technical expertise बहुत ज्यादा हो जाती है. तो अगर आप मतलब 62-63 तक आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चीजें देख सकते हो, आपको कौन सा एरिया पसंद है, राइट? हो सकता है क्लाउड पसंद हो सकता है, जैसे मुझे ग्राफिक्स पसंद है, कर लो, घूम के आ जाओ, देख लो, तब तक आपको पता चल जाएगा. हाँ. उसके बाद यू कैन सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूट टू दैट, मे बी AI हो सकता है, राइट? जहाँ पे आप AI पे बहुत अच्छी रिसर्च कर रहे हो, तो फिर आप क्यों जाना चाहोगे किसी में? तो आई वुड से कि हाँ, एक सीनियर पे इज अ गुड पोजीशन टू सॉर्ट ऑफ सेटल डाउन इन. सी, वेयर सेटल डाउन डजंट मीन कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब आप पे वैसे. बट देन बेसिकली यू कैन फोकस ऑन पर्टिकुलर एरिया एंड कि अच्छा ठीक है, अब मेरा यही डोमेन है, आई एम गोना फोकस ऑन दैट एरिया. राइट. मेरे को लगता है वही जो आप कह रहे हो ना, सेम चीज डिफरेंट वर्ड्स में, फिटमेंट जब मिल गई आपको, कि आपको मजा भी आता है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, आपका ओपिनियन भी मैटर कर रहा है, फिर आप वहाँ पे, फिर आप अंटिल अनलेस आपको कुछ बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है, फिर कुछ और आपको इश्यू आया, तब तक आप वैसे कह रहे थे. उसमें भी ऐसे बड़ी कंपनीज में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले लें, आप प्रिंसिपल हो या आप सीनियर हो सकता है बाहर आपको अमेजोन सीनियर ज्यादा दे, बट देन यू कैन मूव टू रेडमंड और अदर कंट्रीज जहाँ पे आपको डॉलर्स में मिलेंगे, एंड ऑल्सो इट्स नॉट लाइक दैट, और आपके पास स्टिल अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप सेम एरिया में काम कर सकते हो. राइट. एंड ये तो है ही, मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसे किसी बिग टेक में हो तो आपके पास
और डोमेन स्विच करने की भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट हर डोमेन में ही काम कर रहा है. अगर आपको एक समझ एक पसंद नहीं आ रहा है, यू कैन ट्राई मल्टीपल, एंड किसी न किसी में कुछ ना कुछ आप हमेशा ट्राई कर सकते हो. लोग जनरली कंपनी स्विच उसी लिए करते हैं कि उनको डोमेन नहीं समझ आ रहा. अगर कोई एक्स वाई जेड कंपनी में है, उसमें उसको काम ही पसंद नहीं आ रहा, तो नहीं करेगा, नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा. तो या तो टीम चेंज करो या फिर कंपनी चेंज करो. अब कुछ कंपनीज में ना टीम चेंज ही बहुत डिफिकल्ट है, तो पीपल आर लाइक कि भाई टीम को चेंज करो, कंपनी में तो पैसे भी बढ़ेंगे, बिकॉज दे विल गेट 20% 10% की जगह 50% है, सो दे विल जस्ट गो. अब बहुत कंपनीज है, फॉर एग्जांपल अडोबी है, अडोबी में आपको इंटरनल ट्रांसफर के लिए भी इंटरव्यूज देने पड़ते हैं. आपको माइक्रोसॉफ्ट में थोड़े बहुत देने पड़ते हैं, इतना नहीं होता, बहुत इजी सा होता है. एंड अमेज़न में कोई इंटरव्यू नहीं देना होता, गूगल में कोई इंटरव्यू नहीं देना होता, आपको जो जिस टीम में जाना है उन मैनेजर से बात करो. तो वो एक आई थिंक फैक्टर होता है. बिग टेक का तो बहुत बड़ा फायदा है कि अगर आपकी कंपनी 10 जगह पे काम कर रही है, तो यू कैन ऑलवेज स्विच. और इसका फायदा ये भी रहता है कि जैसे अभी अभी से माइक्रोसॉफ्ट एआई पे काम करने वाला है, तो आप कटिंग एज पे भी काम कर सकते हो ना, रादर देन चेंजिंग कंपनी, है ना. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है. राइट, सो आप दोनों के ओपिनियंस सिमिलर नहीं है, इट्स जस्ट कि आपको सही फिट मिलना चाहिए, क्यों पजल सॉल्व होनी चाहिए आपकी, तो इट्स फाइन. डजंट मैटर कि सेम कंपनी में हो या फिर दूसरी कंपनी में हो, सेम कंपनी में भी ये रहते हो तो दे विल वांट टू रिटेन यू, सो दे विल मैच सम और द अदर वे. अगर बेस मैच नहीं कर रहे तो स्टॉक ज्यादा दे देंगे या फिर बोनस ज्यादा दे देंगे, कुछ ना कुछ करके रोक लेंगे. दे विल वांट टू रिटेन यू फॉर श्योर. सो या एक लास्ट एक कोई एडवाइस फॉर पीपल हु आर लाइक जॉइनिंग स्टार्टिंग देयर करियर, जैसे आपने काफी एडवाइसेस दिए, कुछ एक कंसाइज सा. आई वुड से डोंट बी अफ्रेड, मतलब अगर कुछ भी मिल रहा है तो अंदर तक जाओ, रादर देन सोचने के कि यार मैं बस कर लूँ मेरा काम निपट जाए. एक लाइन ऑफ कोड भी अगर तुम लिख रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने क्यों लिखा है, इसका क्या इम्पैक्ट है और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं. मेक सेंस, ये तो है ही एडवाइस. और माइंडसेट भी अपना यही रखना है कि आई डिजर्व, और अपनी हेल्थ और सारी चीज़ों पे, ऑलराउंड ग्रोथ पे ही फोकस करना है. ये नहीं कि मैंने सिर्फ काम पे पूरा टाइम लगा दिया. आई नो डिफरेंट डिफरेंट दिन डिफरेंट डिफरेंट जाएंगे, पूरा ऐसा नहीं है. आई नो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट कुछ दिन आपका ज्यादा काम होगा, कुछ दिन हेल्थ पे ज्यादा फोकस होगा, बट यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग टुगेदर, बैलेंस आउट करना होता है. एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर वो एक बार ही वो खराब हो गया ना, तो फिर कितने भी पैसे कमा लो, कितना भी तुम अच्छा कर लो, तो ये जो नए लोग आते हैं तो समटाइम्स कुछ लोग ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वीकेंड पे भी काम करेंगे, एटलीस्ट पूछते हैं, तो मैं उनको एक ही यही चीज बोलता हूँ, नो वीकेंड्स. ये तुम्हें सारी लाइफ करना है, कितने वीकेंड्स करोगे. खतरनाक ही बग आ गया, फिर प्रोडक्शन में इशू आ रहा है, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू वर्क फॉर अ वीकेंड, बट ये नहीं है कि हर वीकेंड बैठ के मैनेजर को इम्प्रेस करना है, काम ही करे जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा. सो थैंक यू भरत, थैंक यू मेगा, काफी मजा आया आपसे बात करके. आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, काफी motivational plus informative. So thank you so much for watching this video. You can follow them on LinkedIn, dono ki LinkedIn ID, and Mega ka YouTube channel will be also in the description. And yeah, see you in the next video. Bye.